दोस्तों अगर आपने भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है और स्टेप टू प्रोग्रेस में आपका फंसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग चिंता कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, और आपको क्या गलती नहीं करना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी हर हेल्प करूंगा और चैनल को मोनेटाइज कराने भी मैं मदद करूंगा। सब पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया और आपका चैनल मैं मोनेटाइज करा के ही दम लूंगा। दोस्तों अभी तक लगभग एक साल पहले, जब जो 2023 नहीं आया था, तो लगभग 6 महीने पहले आप समझ लीजिए कि मोनेटाइज कराना बहुत आसान हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी नहीं आई थी। उस समय सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता था, जो YouTube की नज़र में भी कठिन था और लोग उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे थे, तो मोनेटाइज कराने में लोग कम अप्लाई कर पा रहे थे। तो मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही अप्लाई करते थे तो 8 से 10 घंटे में ही चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन जब से 2023 आया, YouTube ने बहुत सी चीज़ें बदल दी, अब शॉर्ट वीडियो से मोनेटाइजेशन होने लगा 2023 जैसे स्टार्ट हुआ, तो लोगों के चैनल मोनेटाइज के लिए बहुत अप्लाई होने लगे, क्योंकि शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है तो लोग ज़्यादा मोनेटाइज करा पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो क्राइटेरिया है 10 मिलियन सब व्यू का वो पूरे कर देते हैं। अब एक और नई चीज़ आ गई कि 3000 घंटे और 500 सब्सक्राइबर पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जे भी आप करा सकते हो। मतलब स्टेप 1, 2, 3 जो क्राइटेरिया है वो बढ़ चुके हैं, तो YouTube ने बहुत कम कर दिया है, तो 3000 घंटे लोगों के बहुत पूरे हो रहे हैं, तो वो भी वो 500 सब्सक्राइबर आसानी से पूरे हो जा रहे हैं और लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने भी अभी जब से ये नई पॉलिसी आई है, लगभग अभी 1 महीने के अंदर तो मोनेटाइजेशन की भीड़ लग गई, क्योंकि शॉर्ट से भी मोनेटाइजेशन हो रहा है, लॉन्ग से तो हो ही रहे थे, और अब जो 500 सब्सक्राइबर वाला आ गया तो उससे भी मोनेटाइजेशन हो रहा है, तो मोनेटाइजेशन की भीड़ हो गई। तो अब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन आसानी से लगेंगे, और किसी किसी में 1 महीना भी लग सकता है। मैंने यूट्यूब टीम से बात की, उसका भी मैं वीडियो बताऊंगा, उन्होंने भी साफ कहा है कि आप घबराइए मत, 3-4 हफ्ते तो आसानी से लगते हैं और 3-4 हफ्ते लगेंगे, तो इसलिए आपको कोई गलती नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है और लगभग आपको 10 से 12 दिन भी हो गए हैं, तो भी आपको कुछ नहीं करना, आपको धैर्य रखना है, आपको ऐसी गलती नहीं करना कि आप गड़बड़ कर जाएं। और अगर 1 महीना भी हो रहा है तो भी आपको शांति बनाए रखना है। अब आपको क्या काम करना है, आपको अपने वीडियो जो आप बना रहे हैं वो करते रहना है। अगर आप वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो आपका जो चैनल है वो उसकी रीच डाउन हो जाएगी और वो नीचे गिरने लगेगा, तो आपको ये गलती नहीं करना। आप जो वीडियो बना रहे हैं वो बनाते रहिए, मोनेटाइजेशन अपना आप हो जाएगा, उसका काम वो चल रहा है। और अगर आप जो फेस वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं जो बना रहा हूँ जो फेस वीडियो होता है, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 से 15 दिन में आसानी से हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता तो भी आपको इंतज़ार ही करना है दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, यूट्यूब टीम से मैं बात करके आपकी मदद करूँगा। और दूसरी बात, अगर जब स्टेप 2 प्योरीफाई हो जाएगा तो जब स्टेप 3 में फिर जाता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो अब आपको वीडियो बनाते रहना है। अच्छा, आपको सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने 2-3 दिन हो गए तो पेशेंस जो खो देते हैं, तो उसमें आपको गूगल एडसेंस से किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन में धीरज खो देते हैं, क्योंकि YouTube ने जो इतनी गलत किया हुआ है। मैं YouTube के भी कहना चाहूँगा कि जो 4000 घंटे कितनी मुश्किल से पूरे कर करके आदमी मोनेटाइज करा रहा है अर्निंग करने के लिए, और आप 1-1, 2-2 महीने अगर लगा दोगे तो उनकी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है वो पूरी YouTube को मिल रही है, इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। जब तक आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाएगा, जब तक आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो ये मेरा सजेशन है YouTube को भी कि आप मेहनत को इनको प्रशंसा कीजिए और आप 1 या 2 दिन से ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये YouTube की तरफ से देर हो रही है, ना कि हमारी तरफ से। हमारी तरफ से जो था 4000 घंटे वो करना हमने अपना कर लिया, अब YouTube को अपना काम तुरंत कर देना चाहिए। अब आपको
चैनल मोनेटाइज कराने में एक तो वीडियो डालते रहना है, गूगल एडसेंस में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करना। अगर आप, कई लोग क्या करते हैं गूगल एडसेंस में छेड़खानी कर देते हैं, सोचते हैं एडसेंस ही डिलीट कर दो, नया एडसेंस बना लो फिर हम अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको एरर चली जाएगी और एरर में आ गया तो आप और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिर्फ वेट करना है और आपका जो चैनल मोनेटाइज है वो आसानी से हो जाएगा, फिर आप अर्निंग कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको सही जानकारी, जरूरी जानकारी पहुंचाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।